हाय फ्रेंड्स, मैं वरुण गिरी और आपके अपने चैनल टेक्निकल कॉन्सेप्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि फार्मा इंडस्ट्री में मॉड्यूलर पार्टीशन ही क्यों मोस्टली यूज करते हैं। जो वॉल्स होता है ब्रिक का वॉल्स, वो बहुत रेयरली यूज करते हैं, और यूज भी करते हैं तो बाहर के साइड में यूज करते हैं। अंदर के साइड में जो इंटरनल पार्टीशन होता है वहाँ पर मोस्टली मॉड्यूलर पार्टीशन यूज करते हैं। तो ये यूज करने का पर्पस क्या होता है? ओके, तो आइए इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। तो अभी तक आप मेरे चैनल अगर टेक्निकल कॉन्सेप्ट को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मॉड्यूलर पार्टीशन एक्चुअली दिखता कैसा। बहुत लोग को नहीं दिखा मालूम होगा कैसा होता है मॉड्यूलर पार्टीशन। तो आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये है मॉड्यूलर पार्टीशन। इसको बहुत लोग पफ पार्टीशन भी बोलते हैं। ये हमारा ब्रिक वॉल है जो हम हर जगह देखते हैं, ब्रिक वॉल तो सबको पता होगा। मॉड्यूलर पार्टीशन इस तरह का होता है, इसको यहाँ ऐसे खड़ा किया जाता है, और ये बाहर जो होता है एक मेटल का सील्ड होता है, मोस्टली अल्मोनियम होता है और पाउडर कोटेड अल्मोनियम होता है, और अंदर पफ होता है, मीन्स स्पंज जैसा मटेरियल होता है जो जलता नहीं है। ओके, तो इसका लाइफ ज़्यादा होता है और इसका अलग अलग साइज में होता है। जैसे विड्थ है तो 50 mm में भी आता है, 100 mm में भी आता है, 20 mm में भी आता है। तो अलग अलग साइज में इसका आता है, विड्थ होता है। तो अब आइए देखते हैं इसको यूज क्यों करते हैं। जैसे कि मॉड्यूलर पार्टीशन है वो फ्री फ्रॉम कोरोजन एंड एब्रेजन। जो हमारा मॉड्यूलर पार्टीशन होता है वो कोरोजन नहीं होता है, उसमें एब्रेजन नहीं होता, पपड़ी नहीं बनता है। वही जो हमारा ब्रिक वॉल होता है, जो ईंट का दीवार होता है, उसमें से पपड़ी निकलने लगता है कुछ दिनों के बाद, एब्रेशन होता है। ओके, और जो हमारा मॉड्यूलर पार्टीशन है उसको इजीली हम क्लीन कर सकते हैं वाटर से, जिससे क्या होगा उसके अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होता है, एंटी रेजिस्टेंस होता है और उसके अंदर माइक्रोबियल का ग्रोथ नहीं होता है। और जो हमारा वॉल होता है उसको हम पानी से क्लीन नहीं कर सकते, अगर ज़्यादा क्लीन करेंगे तो ख़राब हो जाता है वॉल। ओके, देन जो हमारा मॉड्यूलर पार्टीशन होता है वो फंगल ग्रोथ को, माइक्रोबियल ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करता है। वही जो हमारा ब्रिक वॉल होता है, अगर उसके अंदर मॉइस्चर रहेगा, बारिश के अंदर देखते होंगे उसके ऊपर माइक्रोबियल ग्रोथ होने स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, पपड़ी बनकर निकलने चालू होता है, हो जाता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं ब्रिक वॉल में, लेकिन वो सब प्रॉब्लम जो हमारा होता है ये मॉड्यूलर पार्टीशन में नहीं होता है। देन मॉड्यूलर पार्टीशन को हम ईजी और फास्ट मतलब फैब्रिकेट कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं, ये सिंपल होता है। वही हमारा जो ब्रिक वॉल होता है उसको फैब्रिकेट करना, उसको बनाना बहुत डिफिकल्ट काम होता है। ओके, और एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इसमें मैं लिखना भूल गया कि मॉड्यूलर पार्टीशन में बहुत कम स्पेस लगता है, इसमें स्पेस कम लगता है, स्पेस होता है वो कम लगता है। वही जो हमारा ब्रिक वॉल होता है इसमें स्पेस ज़्यादा लगता है। अगर हम 9 इंच का भी दीवार लगाते हैं, मिनिमम 10 इंच का दीवार लगता है इसमें, और 5 इंच का होता है, और ये मिनिमम 5 इंच का दीवार होता है ब्रिक वॉल, और ये 2 इंच का होता है। इसलिए देखा जाए तो मॉड्यूलर पार्टीशन क्या होता है, ये कम स्पेस लेता है, लेकिन ब्रिक वॉल क्या होता है, ज़्यादा स्पेस लेता है। ओके, ये सबसे इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है। तो आज के लिए बस इतना है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो आज के लिए बस इतना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।